मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसे सजा मिलती है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। आइए आपको बताते हैं इसमें दी गई भयावह यानी कि भयानक सजाएं कौन सी है। तमिश्रम यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांध कर नर्क में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद उन्हें फिर पीटा जाता है। अंधतरसम, गरुड़ पुराण के अनुसार नर्क का यह हिस्सा उन पति और पत्नी के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। बता दे, दोरावम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभी पाकम, ये सजा उन पापियों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम, ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते। उन पापियों को नर्क की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। आसिता पत्रम, ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतान करना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकुपम, ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान और सताने में मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तप्तम मूर्ति, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नर्क की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। कृमि भोजनम, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नर्क में कीड़े और सरीसर्प जिंदा में ही जाते हैं। सरमाली, ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं नर्क में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और गंदी चीजें पड़ी रहती है। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी पड़ती है। पियोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अवीची, ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगा कर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षस भोजनम, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसको बाद में उनका मांस खाया हो उन्हें नर्क में लाया जाता है और जितने जानवरों को पापियों ने मारा है वो सारे वहां उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंदम सुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएगा। इन्हें जानकर किसके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। कैसे, ये मान्यताओं के आधार पर आधारित है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।